से हम हमेशा ही एक स्ट्राइक ले सकते हैं, क्योंकि इसे बोल करने के बाद हम बस इधर उधर झुककर इसकी दिशा को बदल सकते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में करीब 3 सालों से था, तो आज मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे कैसे बनाया और ये किस तरह काम करता है और इसे बोल करने के बाद क्या होता है। लेकिन हम लोगों को नहीं बताते कि हम ये कैसे कर रहे हैं। तो ये ट्रिक बॉल देखने और छूने में बिल्कुल एक आम बॉल जैसा ही है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक बॉलिंग बॉल से बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट में मेरा पहला स्टेप होगा कि मुझे मेरे अंदर के लिंकन और डैन को जगाकर देखना होगा कि इसके अंदर क्या है। और पहली बात हमें पता चली कि ये बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके एक्चुअल सेंटर में नहीं है। मैं ज्यादा फिजिक्स नहीं झाड़ूंगा, बस बता दूं इसी बात की वजह से खिलाड़ी इसे ज्यादा से ज्यादा घुमा सकते हैं। फिर मैं मेरे दोस्त मार्क के पास जाऊंगा जिसका एक मशीन शॉप भी है, और लेथ का इस्तेमाल करके इस बॉल को खाली करूंगा। और ये होने के बाद हमारे पास होंगे ये 2 शेल्स, और अब बस हमें इसके अंदर थोड़ा इंजीनियरिंग मैजिक डालना होगा, और वो करने के लिए मुझे खुद को लंदन ले जाना होगा, जो कि दिखाएंगे हम 1-4 सेकंड के मॉन्टाज में। और मुझे लंदन आना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये है जेम्स बर्टन और ये इसका घर है। और जेम्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीनियस होने के अलावा एक खास बात और भी है कि ये एक टॉय डिजाइनर भी हुआ करता था। और मैं टॉय डिजाइनर्स की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि इन्हें बहुत अनोखे डिजाइन सोचने पड़ते हैं। जैसे कि इस वाले को देखिए, हम सारी हलचल देख सकते हैं जो सिर्फ एक स्प्रिंग की वजह से हो रही है, और इसकी वजह से इसके दाम भी नहीं पड़ते। और इसके इन अनोखे डिजाइन में शामिल है ये रोबोट जिसे हम इस दूसरे रोबोट से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये रियल लाइफ आयरन मैन, और ये हल्क बस्टर सूट, और ये बहुत सारे BB-8s। उस बॉल के मैकेनिज्म का बेसिक आइडिया मेरे दिमाग में तो था, और मैं चाहता था कि वो बिल्कुल एक BB-8 जैसा ही बने। तो मैं उसके पास चला आया, और इसे ठीक वैसा ही बनाने के लिए मुझे इसकी एक्सपर्टीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अगर आपको भी ऐसी चीजें देखना पसंद है तो आपको सच में जाकर इसकी वीडियोस देखकर इसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो जरूरत से कई ज्यादा देर इसके घर में वक्त बिताने के बाद हमने उस बॉल को पूरा किया, और हम एक प्रॉपर ब्रिटिश बॉलिंग गैली में चले गए ताकि पहला टेस्ट पूरा कर सके। पहले हमने कम स्पीड में ट्राई किया ताकि ये साबित कर सके कि हमारी सभी चीजें काम कर रही हैं। फिर हमने करतब दिखाने शुरू किए और आखिरकार जाकर कुछ पिंस को टक्कर मारी। ये सच में कमाल की फीलिंग है। और मैं झुककर बॉल को इसलिए कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि मेरे पीठ से ये बोर्ड चिपका हुआ था जिसमें एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट लगा हुआ है जो मेरी हलचल को महसूस कर सकता है। तो अगर मैं लेफ्ट की ओर झुकता हूँ तो ये रेडियो वेव से उस बॉल को एक तरह की कमांड भेजता है, और बॉल पर एक रिसीवर है जो लेफ्ट की ओर जाने का सिग्नल देता है। और ये आर्डुइनो इस बॉल के दिमाग जैसा है जो सर्वर मोटर को बताता है कि उसे कितना रोटेट होना है, जिसकी वजह से ये भारी पेंडुलम लेफ्ट की ओर रोटेट होता है जो कि सीधे सीधे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बदलता है, और उसके रिस्पांस में ये दिशा बदलता है। जैसे कि हम एक बाइक को टर्न करते हैं तब हम टर्न की ओर झुककर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एडजस्ट करते हैं, और अगर मुझे नॉर्मल बोल करना है तो मुझे बस इस स्विच को दबाना है, और बाद में ये कोई भी कमांड नहीं लेगा, और इसे फिर से दबाते ही मैं जहां भी चाहूं इसे भेज सकता हूं। पर पहले हम स्ट्राइक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरी टेक्निक बिल्कुल सही नहीं थी। अगर हम पिंस को ऐसे सीधे एंगल से हिट करते हैं तो कॉर्नर की पिंस कुछ ऐसी रहेंगी। एक परफेक्ट स्ट्राइक के लिए बॉल को इस पॉइंट पर 3 से 6 डिग्री के बीच हिट करना होगा, और इस एंगल से हिट करने पर बॉल पहली पिन को यहां हिट करेगा, और फिर नॉर्मल फोर्स वेक्टर एक लाइन इन पिंस को गिरा देगा। आगे जाकर बॉल आगे इस पिन को हिट करेगा और इन सभी पिंस को गिरा देगा। आखिर में बॉल का मोमेंटम इन 3 पिंस को भी गिरा देगा। प्रोफेशनल बॉलर्स भी बॉल को ऐसे ही घुमाकर पिंस को साइड एंगल से ही हिट करते हैं, और ऐसा करना ही पड़ता है। अगर आपको मेरी तरह बॉलिंग नहीं आती और आप भी बॉल को सीधे एंगल में हिट करते हो तो अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो हमें दूसरी लेन से ही उसे फेंकना होगा, लेकिन टेक्निकली वैसा अलाउड नहीं है। तो इस पॉइंट पर हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है एक बिगड़ा हुआ CGI या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और हमने दूसरे वाले को चुना। और एक बार एंगल ठीक होते ही हमने स्ट्राइक्स लेना शुरू कर दिया। हमारी बॉल को टेस्ट करने के लिए हमें लेन को ऑयल देने वाली मशीन देखने मिली, और वो सभी कमाल की मशीन भी जो हर एक फ्रेम के बाद सभी पिंस रीसेट करती है, पर उस बारे में कभी और बात करेंगे। और अब जब सब कुछ परफेक्ट है तो वक्त है इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करके देखने का। तो हमने हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स को लोकल बोलिंग गैली में इकट्ठा किया, और पहले मैंने कंट्रोल्स ऑफ करके बोलिंग करने की कोशिश की, पर बाद में ये हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मदद के बिना गट अ बॉल, तुम्हें बोलिंग करना नहीं आता है। मैं निशाना नहीं लगा पाया। तो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए मैंने स्विच को ऑन कर दिया और उन्हें बताया कि मेरे पास जादुई शक्ति है। और फिर मैंने उस बॉल को घुमाने के लिए उस जादू का इस्तेमाल किया और कुछ स्ट्राइक्स लगाए और अपनी इज्जत को वापस हासिल कर लिया। और उन्हें पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उन स्ट्राइक्स को लगाना हम कितना झुकते हैं उस चीज से सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तुमने फिर से चीटिंग की बार्क रॉवर।